इस्लामाबाद की अदालतों में आज अहम मुकदमात की समाअत मुतवक है। नैब अदालत में LNG रेंटल पावर केस और नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के मुकदमात की समाअत होगी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नेशनल पार्क मारगला में तामीरात के खिलाफ मुकदमे की समाअत भी मुतवक है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राबता किया अपने नुमाइंदे उमर बनी से। उमर बनी, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में हाई कोर्ट पे किन अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसकी मातहत अदालतों में आज अहम मुकदमात की समाअत होगी। सबसे पहले बात करें एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की, तो आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस की समाअत जो है वो होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी अदालत में पेश होंगे। इसके अलावा इस्माइल कुरैशी की रेंटल पावर केस में बरियत के खिलाफ दरख्वास्त जो है उस पर भी समाअत होगी। इसके अलावा नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में मुबैना ताखीर का रेफरेंस जो है वो भी आज एहतसाब अदालत में ज़ेर समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मारगला की पहाड़ियों पर तामीरात के खिलाफ जो केस है उस पर समाअत होगी। इसमें जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद हैं वो अदालत में पेश होंगे और अदालत की मामनत करेंगे। इसके अलावा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अमेरिका में प्रॉपर्टी के हवाले से जो केस है उसमें पूरी जमानत से मुतल्लिक जो है वो मामला जेर समात है, उसकी समात भी आज होगी। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन चैलेंज करने से मुतल्लिक साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त पर समात भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी, जबकि नेशनल पार्क की जमीन पर गैर कानूनी कब्जे से मुतल्लिक केस की समात भी आज होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर बनी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। मज़ीद आपसे लेते रहेंगे।